तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जोरदार तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1/2023 बैच जो कि हमारा ऑब्वियसली जनवरी मंथ में स्टार्ट होगा उसके लिए जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। इस बार बदली हुई प्रक्रिया के साथ आपको बिल्कुल बदले हुए अंदाज में जाना होगा। ऑब्वियसली अभी तक आप डायरेक्ट पीएसबी और एफएसबी की प्रक्रिया से गुजरते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की एंट्री हो रही है 1/2023 बैच के लिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप वाया रिटन एग्जाम गुजरेंगे। जिस तरीके से फौज के अन्य एग्जाम में, चाहे वो हम ग्रेजुएट लेवल पे सीडीएस की बात करें, हम एफकैट की बात करें, जो भी एंट्रीज हैं, उसी तरह अब इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, जिस तरीके सीएपीएफ एसी की बात करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, कि वाया रिटन एग्जामिनेशन ही आप पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, उसी प्रक्रिया में यहां भी अब आपको रिटन एग्जाम के माध्यम से गुजरना होगा। बड़ी खूबसूरत प्रक्रिया स्टार्ट हुई, मुझे अच्छे से याद है कि 18/2 को जो है एप्लीकेशन आपका अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, मतलब 18 फरवरी को, 2/3/2022 तक आपको एलिजिबिलिटी थी, मतलब 2 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि 12 से 14 दिन का समय मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उसी क्रम में 14 तारीख, दैट मीन कल से ही इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है, और तेजी के साथ जाइए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही बिल्कुल आपको एग्जैक्ट अपने एग्जाम डेट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इंडियन कोस्ट गार्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो कई स्टेजेस में चीजें बढ़ गई हैं, स्टेज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बट जो मुख्यतः मेन स्टेज की बात करेंगे स्टेज 1, 2, 3 और 4 तक हम आते हैं। 5 तो फाइनली डॉक्यूमेंटेशन और इंडक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, बट फर्स्ट स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन है, बिल्कुल 100 क्वेश्चन है आपके सामने, 25 आपके अर्थमेटिक, 25 रीजनिंग है, 25 इंग्लिश है और 25 आपके जीके के क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम फॉर्मेट देखने को मिलेगा जिस तरीके हम एफकैट एग्जाम देखते हैं, ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम हम देखते हैं, उसी सेम सिनेरियो में आप इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को भी देख पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं देश के जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरे हुए कैंडिडेट्स हैं, मेजर कल्सी क्लासेस द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है इस समय ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड एसी, जिससे आप जुड़ करके बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड से ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसी तरह से चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एमकेसी लर्निंग ऐप पे विजिट करना होगा। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैं स्पेशल बुक्स भी इशू कर रहे हैं जो कि एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से, तो फटाफट जाइए तेजी के साथ ऑर्डर करिए, बिल्कुल लास्ट टाइम है, तो बिल्कुल तेजी के साथ जितना ज्यादा आप इसके ओरिएंटेड क्वेश्चंस अप्रोच कर लेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा और आपके रिजल्ट को बेहतर करेगा। तो फिर इंतजार किस बात का, बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के हर प्लेटफॉर्म से। और ये आज फॉर्म तो भर ही रहे हैं, एग्जाम आप दे ही रहे हैं, बट क्रम से अगला एग्जाम भी इसी तरह शेड्यूल होगा, तो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज के लिए भी स्पेसिफिकली अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। जब आप स्टेज वन कर लेंगे मार्च में, तो लॉजिक सी बात है कि जून में आपका स्टेज 2 शेड्यूल होगा, तो माना जाता है मोटा मोटा मई में आपका रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपका जून में स्टेज 2 ऑब्वियसली पीएसबी को होगा, जिसको आप प्रीलिम सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, जिसमें आपके रीजनिंग के टेस्ट होते हैं और पीपीटीटी टेस्ट होता है। जब उसको आप क्लियर कर लेते हैं तो पहले एग्जैक्टली उसको क्लियर करने के 1 महीने बाद डेट आ जाती है, बट इस बार डेट थोड़ा एक्सटेंड की गई है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आपका स्टेज 3 रखा गया, जिसको आप एफएसबी के नाम से पहचानेंगे, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के नाम से। और इस तरीके से फिर फाइनली आपको जो है जो शेड्यूल स्टेज 4 का रखा गया है वो दिसंबर के आसपास गया, फिर उसके बाद आप जनवरी में, जैसे आपको पता है कि आपकी ज्वाइनिंग वहां पर हो जाएगी, जो कि आपका स्टेज 5 होगा। बड़ी ही खूबसूरत जर्नी है। अब दिमाग में आप रख लें कि कहीं ना कहीं जबरदस्त आपको रिटन एग्जाम में भी करना है, जबरदस्त आपको पीएसबी में भी करना है, एफएसबी में भी करना है और मेडिकल भी करना है। और कहते हैं कि जब चारों स्टेज में बेहतर करने की बात आती है तो देश का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट इज मेजर कल्सी क्लासेस जो आपका परिवार है, जिससे आप जुड़ करके बेहतरीन तैयारी करेंगे स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन की, बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा आपको पीएसबी के लिए, बिल्कुल वैसे ही गाइड करेंगे, वैसे ही तैयार करेंगे जैसा वहां आपको मौका मिलने वाला है, बेहतरीन गाइडेंस होगा आपके एफएसबी के लिए, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए, और बेहतरीन मेडिकल की फैसिलिटी आपको मिलेगी मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, जो देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है, जिससे जुड़ करके मेडिकल से रिलेटेड अपने हर डाउट्स को आप खत्म कर सकते हैं। और कहते हैं कि री मेडिकल नहीं चाहिए तो प्री मेडिकल आना होगा आपको मेजर कल्सी क्लासेस हेल्थ केयर सेंटर में, जो देश का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर है आपके लिए, और बिल्कुल आपको अप्रूव्ड करेगा, कॉन्फिडेंट करेगा और आपकी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करेगा। और ये सारे प्लेटफॉर्म जो सेंट्रलाइज होते हैं पूरे भारत में, वो देश में केवल एक संस्थान है, एंड दैट इज योर मेजर कल्सी क्लासेस। तो बिल्कुल इंतजार किस बात का, फटाफट तेजी के साथ उठिए। जनरल ड्यूटी कमर्शियल पायलट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो कि जनरल ड्यूटी के अंतर्गत ही है, दैट मीन आप सिंपल ग्रेजुएट हैं अगर 60% तो जम के इसको आपने अप्लाई कर रखा और अब आप इसके लिए बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। इंजीनियरिंग टेक को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाकई में सपना है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट से जुड़ने का। तो जस्ट लेट्स हैव अ स्ट्रांग फोकस नाउ, अभी केवल डायरेक्ट एसएसबी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है,
रियल जर्नी हो, रियल फोकस आपके लिए जरूरी हो गया है, और वो रियल फोकस रियल जर्नी आपको मिलेगा एमकेसी परिवार से। तो फटाफट जाइए एमकेसी पब्लिकेशन पे, तेजी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड एसी की बुक ऑर्डर करिए और चमाचम तैयारी करके रिटर्न को क्वालिफाई करिए। फिर फटाफट हमारे साथ एसोसिएट हुई, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसमें हम आपके पीएसबी एफएसबी और मेडिकल हर कॉन्सेप्ट पे आपको बेहतर करके फाइनली 100% आने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेक्शन सिस्टम में आपकी सफलता को हम सुनिश्चित करेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, उठाइए अपना फोन और फटाफट बुकिंग करिए तेजी के साथ। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल गुड लक। एडमिट कार्ड फटाफट देख लें, सेंटर देख लें, लोकेशन देख लें, सब कुछ डिसाइड कर लें और जाके बिल्कुल एग्जाम को फोड़ दें। एमकेसी पूरी तरह से आपके साथ है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।